हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्रिया पढ़ी थी, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा पढ़ी थी और काल के आधार पर क्रिया के भेद भी पढ़े थे। उसमें पढ़ा था कि किसी भी वाक्य में या शब्द में कार्य का करना या होना पाया जाता है वहाँ क्रिया, वह क्रिया कहलाती है। और काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद हमने पढ़े थे, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। आज हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं ये पढ़ेंगे। उससे पहले हम कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं और धातु किसे कहते हैं ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले धातु देखते हैं, धातु किसे कहते हैं। क्रिया के अंदर जो शब्द का मूल रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि क्रिया के अंदर जो मूल शब्द होता है उसी को हम कहते हैं धातु। जैसे पढ़ना, पढ़ना क्या है, क्रिया है। इसमें धातु शब्द जो है वो है पढ़। पढ़ में ना प्रत्यय लगा है, क्रिया बन गई पढ़ना, तो इसमें धातु है पढ़। इसी तरह हम ले सकते हैं आना, लिखना इत्यादि। तो आना में धातु जो है वो मूल धातु शब्द जो है वो है आ, और इसमें प्रत्यय लगा है ना, तो ये क्रिया बन गई आना। नेक्स्ट है लिखना। लिखना में लिख धातु है लिख, और प्रत्यय लगा है ना, तो ये बन गया लिखना। तो शब्द का जो, क्रिया का जो मूल शब्द होता है उसी को हम कहते हैं धातु। नेक्स्ट आते हैं हम कर्म और कर्ता, कर्ता और कर्म किसे कहते हैं। मैं यहाँ पे एक वाक्य लिख के और फिर आपको समझाती हूँ। अक्षय पुस्तक पढ़ता है, अक्षय पुस्तक पढ़ता है। इसमें आपको पता है कि पढ़ता है क्या है, क्रिया है, पढ़ता है क्रिया, क्योंकि हम क्रिया पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि पढ़ता है क्रिया है। अब इसमें देखना है हमें कर्म, कर्म और कर्ता, ये दोनों चीज़ें देखने। तो कर्ता किसे कहते हैं, कार्य को जो करता है, कार्य करने वाले को हम कहते हैं कर्ता। जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वही क्या कहलाता है, कर्ता। जैसे मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है तो अभी मैं कर्ता हुई। इसी तरह से यहाँ पे पुस्तक पढ़ता कौन है, अक्षय। तो यहाँ पे अक्षय क्या है, कर्ता। कर्ता कौन है, अक्षय। नेक्स्ट अब हमें इसमें देखना है कर्म, कर्म किसे कहते हैं। तो कर्ता, कर्म वह शब्द है जिस पे क्रिया का फल पड़ रहा है, क्रिया का फल जिस पे पड़ रहा है। यहाँ पे दूसरा कि आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि अक्षय क्या करता है, क्या पढ़ता है, अक्षय क्या पढ़ता है, ये प्रश्न पूछते हैं तो क्या आया, पुस्तक। तो पुस्तक यहाँ पे क्या हुई, कर्म हुई। पुस्तक क्या हुई, कर्म। तो हमने देखा कि वाक्य के अंदर जो कार्य कर रहा है वो करता है, कार्य जो क्रिया हो रही है उसे क्रिया कहते हैं, पढ़ने की क्रिया हो रही है क्रिया कहते हैं। और दूसरा जो है कि फल किस पे पड़ रहा है, यहाँ पे कर्म पड़ रहा है। क्या कर्म कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, क्या कर्म कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये जो शब्द यहाँ पे आ रहा है ये कर्म है। इसे हम और अच्छे से समझेंगे क्रिया के भेद के द्वारा। क्रिया के
कर्म के आधार पर दो भेद बताए गए हैं। पहला है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। यहाँ इन शब्दों से हम पता करते हैं कि अकर्मक का अर्थ क्या है और सकर्मक का अर्थ क्या है। अकर्मक का अर्थ है, यहाँ पे हम ए लेते हैं यानी कि कर्म है, कर्म तो होता ही है उसमें, लेकिन अब ए लगा दिया इसका मतलब बिना कर्म वाला, जिसमें कर्म नहीं है, ए यानी बिना कर्म वाला, बिना कर्म के, बिना कर्म के जो क्रिया हो रही है उसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। और दूसरा है सकर्मक यानी स लगाया यानी कर्म के साथ, यहाँ भी कर्म तो दिया हुआ है तो स का मतलब है यहाँ पे कर्म के साथ जो क्रिया हो रही है यानी कर्म के साथ। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद बताए हैं, अकर्मक और सकर्मक। अब हम कुछ उदाहरण इनके देख लेते हैं। अकर्मक का एक उदाहरण हम देखते हैं, बच्चा रो रहा है। तो इसमें बच्चा क्या क्या है, करता है, क्या कर रहा है, रो रहा है, क्रिया है, यानी कि इसमें कर्म नहीं है, इस वाक्य में कर्म नहीं है। बच्चा खा रहा है, इसी तरह से या आप लिख सकते हो कि अक्षय रो रहा है। ऐसे वाक्य हम लेंगे जहाँ पे कर्म नहीं होता है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब इसमें भी आप देख सकते हैं ये है कर्ता और ये हो रही है खा रहा है, क्रिया हो रही है, यहाँ पे कर्म नहीं है। और यहाँ पे अगर आपको ये लिख दे कि बच्चा रात भर रोता रहा तो भी उसमें वह कर्म नहीं है, रात भर कोई कर्म नहीं होता, क्योंकि फल किस पे पड़ रहा है। इसके अंदर हम ये भी चीज़ देखते हैं कि फल किस पे पड़ रहा है, कर क्रिया का फल जिस पे पड़ता है, अगर कर्म पे पड़ता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है, और क्रिया का फल अगर कर्ता पे पड़ता है, बच्चा रो रहा है तो फल किस पे पड़ा, बच्चे पे ही पड़ा, रोने का असर बच्चे पे ही पड़ा, चाहे वह रात भर रोता रहा या कुछ घंटों के लिए रोता रहा। इसी तरह बच्चा सो रहा है, सोकुन रहा है, बच्चा रहा है, तो इन वाक्यों में कर्म नहीं है तो यह अकर्मक क्रिया कहलाती है। हम सकर्मक क्रिया देख लेते हैं, माँ खाना बना रही है। माँ, इसमें माँ यहाँ पे करता है, बना रही है क्रिया है, और क्या बना रही है, खाना बना रही है, यह है आपका कर्म। इसमें यह है आपका कर्म, क्या बना रही है, खाना बना रही है। इसी तरह हम लिखेंगे मोहन आम खाता है। तो यहाँ पे मोहन करता, जैसा कि आपको पता चल गया है, और ये क्या है, बिल्कुल ठीक, ये है क्रिया, खाता है क्रिया, और क्या खाता है, आम खाता है, यह हो गया कर्म। अब क्रिया को हम अकर्मक और सकर्मक में पहचानने में हम लोगों को डिफ़िकल्टी होती है कई बार। आप लोग भी बोलते हैं मैम कैसे पहचाने, वहाँ पे आप एक तरीका और है इसे पहचानने का, हम वाक्य में क्या का प्रश्न करेंगे, क्या प्रश्न करेंगे कि क्या कर, जैसे माँ है, माँ खाना बना रही है, तो हम प्रश्न करेंगे माँ क्या बना रही है, वहाँ पे उत्तर निकल के आया कि माँ खाना बना रही है, तो वो उत्तर निकल के आया, इसका मतलब क्रिया क्या है, सकर्मक है। दूसरे वाक्य में हम देख लेते हैं मोहन खाता है, क्या खाता है, आम खाता है, उत्तर निकल के आ रहा है तो ये क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया है।
इस तरह से आप इनमें भी देख सकते हो, अकर्मक में भी बच्चा रो रहा है। क्या रो रहा है? तो क्या रो रहा है, कोई उत्तर नहीं आया ना। इसका फल किस पे पड़ रहा है? कर्म बच्चे पे ही पड़ रहा है, सीधा कर्ता पे ही पड़ रहा है। इसी तरह बच्चा खा रहा है, क्या खा रहा है आपको नहीं पता है, वो कुछ भी खा रहा है लेकिन खा रहा है। यहाँ पे भी सिर्फ कर्ता और क्रिया ही है, कर्म नहीं है। तो क्या से भी आप प्रश्न करके पहचान सकते हैं कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। आपको आई होप ये सारी क्रिया का समझ में आ गए होंगे। क्रिया के दोनों भेद हमने काल के अनुसार भी पढ़े और कर्म के अनुसार भी पढ़े। थैंक यू।